बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनी देओल की फिल्मों के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सनी देओल की लाइफ में किस किस अभिनेत्री से उनका अफेयर रहा। नंबर वन, पूनम ढिल्लन। 80s और 90s की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन और सनी देओल को फिल्म सावरे वाली गाड़ी में एक साथ देखा गया था। इस दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में भी पड़ गए थे और पूनम ढिल्लन ने सनी देओल के प्यार में अपने करियर तक को सेक्रीफाइस करने का मन बना लिया था, लेकिन एक्टर सनी देओल ने उनसे ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। नंबर दो, रवीना टंडन। रवीना टंडन और सनी देओल भी एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। रवीना टंडन तो इतनी पागल थी कि वो सनी देओल से शादी करना चाहती थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी सनी देओल का प्यार उन्हें नहीं मिला और सनी देओल ने उन्हें धोखा दे दिया। नंबर तीन, एक्ट्रेस तब्बू। एक्ट्रेस तब्बू अपने ब्यूटीफुल लुक्स और अपने ग्लैमरस लुक्स के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज भी राज करती है। एक वक्त था जब वो सनी देओल की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी और उनके साथ काम करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने हिम्मत माँ जैसी कई फिल्मों में काम करने के लिए सनी देओल के अपोजिट ऑडिशंस दिए। हालांकि फिर भी उन्हें सनी देओल का प्यार बिल्कुल नहीं मिल पाया। नंबर चार, जूही चावला। बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस जूही चावला ने सनी देओल के साथ फिल्म अर्जुन पंडित में काम किया है। आपको बता दें कि जूही चावला और सनी देओल आपस में काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त आया जब जूही चावला सनी देओल के प्यार में पड़ गए, लेकिन इसके बाद सनी देओल ने जूही चावला से शादी करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। नंबर पांच, अमृता सिंह। बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री अमृता सिंह भी एक वक्त पर सनी देओल के प्यार में पड़ गई थी और इसके बाद उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। वेल, आपको बता दें कि जब अमृता सिंह को पता चला कि सनी देओल विदेश में किसी लड़की को डेट कर रहे हैं, उसके बाद उनका दिल टूट गया था, जिसके बाद अमृता सिंह ने सैफ अली खान से सालों बाद शादी कर ली। नंबर छह, अमीषा पटेल। वेल दोस्तों, 90s की जानी मानी अभिनेत्री अमीषा पटेल को सनी देओल के साथ फिल्म गदर एक प्रेम कथा में सकीना के किरदार में देखा गया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी और लोगों ने इन दोनों की जोड़ी को खूब प्यार दिया था। आपको बता दें कि कई बार तो लोग ये भी कहते थे कि अमीषा पटेल और सनी देओल एक दूसरे के साथ प्यार में हैं, लेकिन अमृता के लाख कहने पर भी सनी देओल उनसे प्यार नहीं कर पाए। नंबर सात पर हम बात करते हैं करिश्मा कपूर की। 90s की जानी मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर का भी दिल सनी देओल तोड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि करिश्मा कपूर भी एक वक्त पर सनी देओल की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। उन्होंने कई सारे फिल्मों के ऑफर रिजेक्ट किए और वो चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ सनी देओल के साथ ही वो फिल्म में काम करे। हालांकि जब तक उन्हें पता चला कि पूजा देओल सनी देओल की जिंदगी में है, तब तक बहुत देर हो गई थी और ऐसे ही करिश्मा कपूर का दिल टूट गया। नंबर आठ पर बात करते हैं डिंपल कपाड़िया की। 80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया भी एक वक्त पर सनी देओल के प्यार में पड़ गई थी। इतना ही नहीं, दोनों ही उस वक्त शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को लेकर इंडस्ट्री में हमेशा अपने प्यार का बखान करते थे। आपको बता दें कि एक वक्त तो ऐसा भी आया जब सनी देओल की वाइफ ने डिंपल कपाड़िया को उनके हस्बैंड से दूर रहने की हिदायत दे डाली थी। वेल दोस्तों, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के इन अभिनेत्रियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और सनी देओल के इन अफेयर्स पर आपका क्या कहना है।